दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर शॉक मूवी के बारे में। उम्मीद आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो चिले नाम के शहर में घूमने के लिए गए होते हैं। फिर जब वो लोग पार्टी में होते हैं, तभी उनके पास एरिना, कायली और उसकी सिस्टर मोनिका पहुंचते हैं। इस दौरान मोनिका कायली को ड्रिंक करने से साफ मना करती है, इसलिए वहां पर मौजूद पोलो उसे भड़काता है और कहता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें किसी से कुछ पूछकर करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कायली पोलो को लेकर अपने सिस्टर मोनिका के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि कल पोलो हमें एक पार्टी में ले जाने वाला है जो कि बहुत ही बड़ी पार्टी है। लेकिन मोनिका इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि हमें कल घर जाना है। इसलिए कायली मोनिका को कन्विंस करवाने के लिए अपने डैड को कॉल करती है, जिससे वो उन्हें वहां रुकने की परमिशन दे देते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पार्टी हो रही थी, जहां पर सभी काफी इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान एरियल कंटिन्यू अपने फोन में किसी से बात कर रहा था, जिस वजह से पोलो काफी गुस्सा होता है और उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए एरियल तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर कायली ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मोनिका उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है। और इसी बहस के चलते मोनिका अपनी सिस्टर को चांटा मार देती है, और उनके कुछ समझने से पहले ही वहां पर एक बहुत ही भयानक भूकंप आ जाता है, जिससे देखते ही देखते पार्टी में मौजूद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वहां पर बहुत ही बुरी तरह से हड़कंप मच जाता है। हालांकि इस दौरान एरियल उस जगह की बारटेंडर को बचाने की कोशिश करता है जो बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई थी, लेकिन उस लड़की पर गिरा हुआ मेटल काफी भारी था, इसलिए जैसे ही वो बाहर निकलती है वो मेटल खिसक जाता है, जिसके चलते एरियल का हाथ कटकर अलग हो जाता है। और जब वो उस बारटेंडर से मदद मांगने की कोशिश करता है तो वो एरियल की मदद करने की बजाय वहां से भाग निकलती है। इस दौरान एरियल पागलों की तरह अपना कटा हुआ हाथ ढूंढता है ताकि वो उसे ठीक करवा सके। तभी उसके पास मोनिका पहुंच जाती है। एरियल की ऐसी कंडीशन देखकर उसके पास उसके सभी दोस्त पहुंच जाते हैं, जो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसका हाथ बांध देते हैं। वहीं मोनिका भी उसका हाथ ढूंढकर अपने पास ही रख लेती है। इतना सब होने के बावजूद वहां लगातार तबाही हो रही थी, जिससे लोग एक एक करके मर रहे थे। पर तभी उनके पास उस जगह की स्वीपर आती है जो उन्हें बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है बाहर चल रही गाड़ी की वजह से उस स्वीपर का सर बुरी तरह से कुचल जाता है, जिससे वो भी बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। जिसके बाद एरियल और उसके दोस्त बाहर निकलकर हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहाँ देखने पर उन्हें पता चलता है कि पोलो की गाड़ी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए पोलो अपने डैड को कॉल करके हेलीकॉप्टर मंगाने की कोशिश करता है, पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो लोग लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में कोई भी गाड़ी रुक कर किसी की मदद करने को तैयार नहीं थी। उसी समय एक आदमी उस बैग को चुरा ले जाता है जिसमें एरियल का कटा हुआ हाथ था। ये देखकर एरियल बौखलाकर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जो सुनामी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पोलो और उसके दोस्त पूरी तरह से बौखला जाते हैं। फिर वो लोग एरियल को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लिफ्ट तक पहुंचते हैं, तो वहां पर काम कर रहा आदमी सभी लोगों को लाइन से आने के लिए कहता है। हालांकि पोलो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इसलिए पोलो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा दोस्त मर जाएगा। इस बात को सुनने के बाद वो आदमी सिर्फ एरियल को लिफ्ट में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो लिफ्ट में ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट पर बंधी हुई वायर टूट जाती है, और बहुत ही ऊंचाई से लिफ्ट गिरने के कारण उसमें मौजूद सभी लोग बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। अपने दोस्त को ऐसे देखकर पोलो पूरी तरह से टूट जाता है और बैठकर रोने लगता है। यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ही अपने दोस्त की जान ली है, क्योंकि वही सब लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। हालांकि गिंगडो उसे समझाता है कि तुम्हें खुद को इस चीज का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि सुनामी आने वाली है। लेकिन पोलो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। तभी वहाँ पर एनिना आती है जो पोलो को उन लोगों का साथ देने के लिए कन्विंस कर ले। उसी समय बहुत ज्यादा भयानक सुनामी आ जाती है, और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि जेल में बंद कैदी आजाद हो गए थे और वो लोगों को बुरी तरह से मार रहे हैं। इसलिए पुलिस ऑफिसर सभी लोगों को घर में ही रहने के लिए कहते हैं। तभी वहां मौजूद क्रिमिनल पुलिस की गाड़ी को जला देते हैं,
ये देखकर पोल और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स उन्हें भी देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए वो सभी अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन सुनामी आने की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा गिंगरो के ऊपर गिर जाता है, और क्योंकि वो पत्थर काफी भारी होने की वजह से नहीं हट रहा था, इसलिए पोलो बाकी लोगों को गिंगरो के पास ही रुकने के लिए कहकर मोनिका के साथ हेल्प लेने के लिए बाहर चला जाता है और लोगों का दरवाजा नॉक करके हेल्प मांगता है, लेकिन वहां पर कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता। दूसरी तरफ गिंगरो के पास मौजूद एरिना जब देखती है कि उसकी हालत काफी खराब हो रही है, तो वो उसे अपने बेटे की वीडियो दिखाकर ये विश्वास दिलाती है कि वो जल्द ही अपनी बेटी के पास होगा। तभी उन्हें क्रिमिनल्स की आवाज सुनाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए गिंगरो एरिना को छुपने के लिए कहता है, जिससे एरिना और काइली दोनों ही छुप जाते हैं। उसी समय क्रिमिनल्स गिंगरो के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी पॉकेट से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, दर्द होने की वजह से वो कराहने लगता है। इसलिए वो लोग उससे लड़कियों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो लोग हेल्प लेने के लिए यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स उसका विश्वास नहीं करते हैं। इधर हम पोलो और मोनिका को देखते हैं जो एक फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनमें से एक आदमी मारा जाता है। इसलिए गाड़ी में फंसा हुआ दूसरा आदमी पोलो से हेल्प मांगता है और उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद हम क्रिमिनल्स को देखते हैं जो गिंगरो को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जब वो उन्हें लड़कियों के बारे में नहीं बताता तो वो उसे जिंदा जलाने के लिए उस पर फ्यूल डाल देते हैं, जिससे एरिना डरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो क्रिमिनल उसे पकड़ लेते हैं और उसका बहुत ही बेरहमी से रेप करने लगते हैं। ये देखकर गिंगरो उस क्रिमिनल को पत्थर से मारने की कोशिश करता है, जिससे वो क्रिमिनल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जिंदा ही जला देता है। ये देखकर वहां पर छुपी हुई काइली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, जिससे वो लोग उसका भी पीछा करने लगते हैं, लेकिन काइली भागती हुई मोनिका के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बातें बताती हैं, जिसके बाद वो सब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक क्रिमिनल एरिना का रेप कर रहा था। हालांकि ये देखकर उनके साथ मौजूद फायरमैन सभी लोगों को वहां से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन पोलो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो कुल्हाड़ी लेकर चुपके से उस क्रिमिनल के पास पहुंचता है और उस पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो एरिना को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरा क्रिमिनल भी आ जाता है जो एरिना को गन से शूट करके मार देता है, और क्योंकि वो लोग अपने साथी के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो सब पोलो और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद फायरमैन उन लोगों को बचाने के लिए गली तक पहुंचता है, लेकिन उस गली के लोगों ने उसको बंद कर रखा था। हालांकि वो लोग गली के लोगों से उन्हें अंदर लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पहले भी कुछ क्रिमिनल्स हमें धोखा देकर अंदर आ गए थे, इसलिए हम दोबारा से रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि इस दौरान फायरमैन उन लोगों से कहता है कि हमारी बॉडी पर टैटू नहीं है, और क्योंकि क्रिमिनल की बॉडी पे टैटू होते हैं, इसलिए गली का एक बूढ़ा आदमी उन लोगों को अंदर बुलाने की कोशिश करता है, जिससे गली की एक लेडी पोलो को गन से शूट कर देती है, इसलिए मजबूरन उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है। इस दौरान पोलो को ब्लीडिंग हो रही होती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो लोग उसे एक जगह पर छुपा देते हैं और हेल्प लेने के लिए वहां से जाने लगते हैं। हालांकि इस दौरान फायरमैन उससे वादा करता है कि वो हेल्प लेकर जरूर वापस आएगा। उन लोगों के जाने के बाद पोलो को पता चलता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गए हैं, इसलिए वो अपने डैड को कॉल करके मदद मांगता है, लेकिन उसके डैड उसकी कोई बात सुन पाते उससे पहले ही उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से उसके डैड पोलो को फिर से कॉल करते हैं, जिससे फोन की आवाज सुनकर क्रिमिनल उसे ढूंढ कर मार देते हैं। दूसरी तरफ फायरमैन बाकी लड़कियों के साथ भागता हुआ चर्च में छुप जाता है, लेकिन तभी वहां पर फिर से सुनामी आ जाती है और वो क्रिमिनल्स भी उनका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। इसलिए फादर उन लोगों को एक बेसमेंट में छुपा देते हैं, फिर वो लोग सीवर की हेल्प से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त सीढ़ी टूट जाती है, जिससे फादर तो बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। हालांकि काइली तो बच जाती है, लेकिन उसके पैर में एक बहुत ही मोटी रोड घुस जाती है, जिससे फायरमैन किसी तरह से निकाल देता है और उसका घाव ढकने के लिए अपनी जैकेट निकालता है, तो काइली की नजर उसकी बॉडी पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि फायरमैन भी एक क्रिमिनल है और जेल से भाग कर आया है। यहाँ पर वो उससे वादा करती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताएगी,
दूसरी तरफ जब मोनिका एक रस्सी की मदद से नीचे उतरती है तो उसे कायली बहुत ही बेरहमी से मरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उस क्रिमिनल ने कायली के मुंह में रॉड डालकर उसकी जान ले ली थी। जिसके बाद वो क्रिमिनल मोनिका का भी पीछा करने लगता है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका धोखे से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और फिर भूकंप आने पर मौका पाते ही उस क्रिमिनल को उसी की कुल्हाड़ी से मार देती है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि इस दौरान वो जिस जगह पर है वहाँ छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था। इसी समय फिर से सुनामी आ जाती है जिसमें मोनिका दब जाती है, और जब उसे अगली सुबह होश आता है तो वो खुद को बाहर निकाल लेती है और आगे बढ़ती है तो उसे सामने एक समुद्र दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रुक पाती क्योंकि समुद्र में भी बहुत ही भयानक सुनामी आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मोनिका भी अब मरने वाली है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।